आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को माननीय सदस्यों के बीच रखने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। सभापति महोदय, जैसा कि सदन को विदित है कि वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है, तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। बेहतर ज्वाइंटनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी बेहतर होना चाहिए और हमारी सेनाएं वांछित जो परिणाम हैं उनको हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल व इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही यह बिल लाया गया है। लोकसभा द्वारा इस बिल को विचार करने के बाद पारित किया गया है और माननीय सभापति महोदय, जब भी कोई राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है तो समय की मांग के अनुसार उसे अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी करने की जरूरत होती है। कानूनों के संबंध में भी मैं यह मानता हूं कि यही बात पूरी तरह से लागू होती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश की प्रगति में बाधा डाल रहे बहुत सारे पुराने कानूनों को रद्द किया है और कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में उन्होंने संशोधन किया है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया यह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उन्हीं प्रयासों का एक अहम हिस्सा है और इस बिल का उद्देश्य हमारे सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती देना है और यह अनुशासन ही है जो हमारे सैनिकों के अंदर न सिर्फ एक आत्मविश्वास ही पैदा करता है बल्कि एक यूनिट या एस्टेब्लिशमेंट के रूप में उनके अंदर एकता की भावना को भी मजबूत करता है। इसलिए यदि अनुशासनहीनता का कोई प्रकरण आता है तो उसका त्वरित निराकरण होना चाहिए और त्वरित निराकरण होना यह अत्यंत आवश्यक भी होता है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 का यह प्रोविजन करता है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। सभापति महोदय, यह बिल एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में निश्चित रूप से मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन को स्वाभाविक रूप से मजबूत करेगा। महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है उनके अनुसार चाहे भारतीय सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, सभी अपने रेस्पेक्टिव एक्ट के द्वारा ही गवर्न होते हैं। जैसे हमारा आर्मी एक्ट है 1950 का, एयरफोर्स एक्ट है 1950 का और इंडियन नेवी एक्ट है F-57 का। इसी के तहत बनाए गए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हीं के अनुसार सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। इस एक्ट के तहत कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड अपनी डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनल पर वह कर सकते हैं। अब तक का यह प्रोविजन है। उन्हें दूसरी सर्विस से संबंधित पर्सनल जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अभी तक अधिकार सभापति महोदय प्राप्त नहीं है। ऐसे प्रोविजन से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में स्वाभाविक रूप से कई बार समस्याएं खड़ी होती हैं, खासकर तब जब किसी इंसिडेंट में विभिन्न सर्विसेज के पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत पर्सनल को उनके पेरेंट सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कार्रवाई करनी है तो फिर उनको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पूरा प्रोसेस न केवल टाइम कंज्यूमिंग होता है बल्कि इसमें पर्सनल की आवाजाही के कारण अधिक धन का भी व्यय होता है। इसके अतिरिक्त यह भी समस्या आती है कि कई बार एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग जगहों की अथॉरिटीज जो होती हैं उनके द्वारा अलग अलग निर्णय दिए जाते हैं। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट किसी को अधिक किसी को कम या स्वाभाविक रूप से होता है जिसके परिणामस्वरूप विसंगतियाँ पैदा होती हैं। सभापति महोदय, इसलिए सभी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर्स इन कमांड के लिए
उनके ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाया जा रहा है। अतः आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को ड्राफ्ट किया गया है। यह बिल हमारी सेना के अंदर प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड ज्वाइंटनेस को प्रमोट करेगा। इसके साथ ही सभापति महोदय, यह बिल इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के चीफ्स को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी प्रदान करता है, जिससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रभावी कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन ला सकेंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को और मजबूत व बना सकेंगे। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बिल भारत के सैन्य सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूँ।